तो ये सारा डिस्कशन था, थ्योरेटिकल है, आपको इसे कॉपी में लिखना पड़ेगा, दो तीन बार रिवाइज करना पड़ेगा, पर आई प्रॉमिस मैंने सारा कंटेंट आपको दे दिया। इससे ज्यादा कंटेंट आप कहीं पे भी हो, मैं हमेशा एक जगह का नाम लेता हूँ कोटा में, आप कहीं पे भी हो, कोटा में हो, जयपुर में हो, दिल्ली में हो, अंडमान निकोबार में हो, कहीं पे भी हो, इससे ज्यादा कंटेंट है ही नहीं, सब बता दिया, सब आउट कर दिया। हेलो बच्चों, आज हम स्टेट्स ऑफ मैटर का गैसियस स्टेट टॉपिक का वीडियो नंबर 8 लेके आए हैं। यार ये वीडियो नंबर 8 ना रियल गैस की इक्वेशन के ऊपर है। अगर आपने वीडियो नंबर 7 नहीं देखा है तो YouTube पे जाएं, टाइप करें गैसियस स्टेट 07 फिजिक्स वाला, और पहले आप ये समझे कि रियल गैस और आइडियल गैस क्या होती है, उसके बाद ही ये वीडियो मजेदार होगा। आज के टॉपिक और पिछले टॉपिक में से जेई में से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, नीट में हर साल क्वेश्चन, मतलब ये वीडियो नंबर 08 और 07 आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। तो आज हम पढ़ेंगे रियल गैस की इक्वेशन। तो यार रियल गैस की इक्वेशन पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रियल गैस क्या चीज है, और उसके लिए मैंने बनाया है वीडियो 7। खैर इसमें भी बातें हम बहुत करेंगे भी, ठीक है, एक अच्छा टॉपिक है, डिटेल टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें भी कोई न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरी थ्योरी है, रियल गैस इक्वेशन। तो यार आपने देखा कि दो तरह की गैसेस है, एक रियल गैस एक आइडियल गैस, डिफरेंस क्या है दोनों में वो भी आपने देखा। हमारे पास पहले अभी तक आइडियल गैस थी, ठीक है, एक्सक्यूज मी, और आइडियल गैस की इक्वेशन थी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, मस्त एकदम, ठीक है, P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट, N T टेम्परेचर, एक्सक्यूज मी। अच्छा अब आइडियल गैस में दो बड़े अजम्पशन थे जो काइनेटिक थ्योरी से आए थे, कौन कौन से, पहला वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल, ठीक है, मतलब फिर से याद दिलाता हूं क्या कह रहा है टॉपिक, कि मान लो ये एक कंटेनर है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे गैस के मॉलिक्यूल्स, अगर इन सारे मॉलिक्यूल्स को मैं उठा के एक साइड में रख दूं तो वो बस इतना एरिया कवर करेंगे, इतना वॉल्यूम, मतलब द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, जो मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल वॉल्यूम है वो तो नेग्लिजिबल है। जैसे हम यहां आपसे पूछें व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ गैस, तो बच्चों अपना कंसेप्ट सही रखना, वॉल्यूम ऑफ गैस होता है अवेलेबल स्पेस इन विच मॉलिक्यूल्स कैन मूव, इन विच मॉलिक्यूल्स कैन मूव। तो यार यहां पे अवेलेबल स्पेस कितना है, पूरा, क्योंकि ये वॉल्यूम तो नेग्लिजिबल है। मतलब हम क्या बोलते थे कि वॉल्यूम ऑफ गैस किसके बराबर है, हम बोलते थे वॉल्यूम ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर है, ये हम अजम्पशन मानते थे, तब ये इक्वेशन सही होती थी। यहां पे हम वी क्या लेते हैं, वी ऑफ गैस इज इक्वल्स टू वी ऑफ कंटेनर, जबकि असल में जो स्पेस अवेलेबल है वो सिर्फ ये है, ये थोड़ा सा स्पेस जो था वो चला गया, बट क्योंकि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं कि वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं वो नेग्लिजिबल होता है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ गैस को हम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर ले रहे थे। कई बार आपने पढ़ा होगा ना द वॉल्यूम ऑफ गैस इज टेकन एज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, तो ऐसा क्यों कर पाते हैं, एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ गैस रखना क्या चाहिए यहां पर, वो रखना चाहिए जो अवेलेबल वॉल्यूम हो, जिसमें गैस फ्री मोशन कर सकती हो। तो यार फ्री मोशन तो सिर्फ इसमें कर सकती है, इसमें नहीं कर सकती, हमें ये वॉल्यूम हटाना चाहिए था पर हम नहीं हटाते क्योंकि ये वॉल्यूम बहुत छोटा है। क्यों, क्योंकि आइडियल गैस के हिसाब से जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पॉइंट मास होते हैं, पिछले वीडियो में ये सारी बातें मैंने बताई थी, अभी जल्दी से समराइज कर रहा हूं। तो एक अजम्पशन तो बहुत बड़ा ये है इसमें, पहला अजम्पशन कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल, असल में तो ये वॉल्यूम हमें हटाना चाहिए था, रियल गैस के मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं, रियल गैस की अगर मैं बात करूं,
रियल गैस की बात करूं तो रियल गैस के मॉलिक्यूल्स ये होते हैं, रिजिड स्फीयर्स। अगर रियल गैस में बात करूं तो इनके आप मॉलिक्यूल्स को साइड में भी रखोगे तो भी काफी ज्यादा वॉल्यूम कवर कर रहे होंगे। अगर मैं पूछूं वॉल्यूम ऑफ गैस किसके बराबर है, मतलब अवेलेबल स्पेस कितना है, तो ये स्पेस हमको हटाना पड़ेगा। क्लियर है? मतलब कुछ ना कुछ वॉल्यूम में सुधार की जरूरत है। वॉल्यूम वाला टर्म पूरी तरह से सही नहीं है अगर हम रियल गैस की इक्वेशन बनाना चाहें। हमें रियल गैस की इक्वेशन चाहिए तो उसमें हम वो वॉल्यूम नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ गैस इस इक्वेशन में जो रखा जाता है दैट इज द अवेलेबल स्पेस इन विच मॉलिक्यूल्स कैन मूव, जिसमें फ्री मोशन हो सके। फ्री मोशन सिर्फ इसमें हो सकता है। रियल गैस के केस में मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं तो जगह काफी ऑक्यूपाई की, हमें यह हटाना चाहिए वॉल्यूम। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम क्या है बच्चों? दूसरा जो बड़ा अजम्पशन काइनेटिक थ्योरी ने लिया था वो ये लिया था कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। काइनेटिक थ्योरी बोलती है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है। ये कैसी बात है? हाँ, ये मानती है काइनेटिक थ्योरी, आइडियल गैस थ्योरी यही मानती है। दो बातें आइडियल गैस थ्योरी मानती है, क्या? कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस नेग्लिजिबल, मॉलिक्यूल इतने छोटे हैं कि उनका खुद का कोई वॉल्यूम है ही नहीं। दूसरा, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। इसकी वजह से कौन सा टर्म अफेक्ट होता है? प्रेशर वाला। अगर हम रियल गैस की बात करें तो रियल गैस के मॉलिक्यूल बड़े बड़े होते हैं भैया, और इनके बीच में होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डेफिनेटली रियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होती है, रियल गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम भी होता है। ठीक है, अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आने की वजह से प्रेशर वाला टर्म कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाएगा। मतलब रियल गैस की इक्वेशन में एक तो प्रेशर में कुछ करेक्शन की जरूरत है और एक वॉल्यूम में। वाई? फिर से खुद से क्वेश्चन पूछो, वाई? क्योंकि आइडियल गैस की इक्वेशन में दो अजम्पशन है। पहला, वॉल्यूम को लेके, कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका खुद का भैया कोई वॉल्यूम ही नहीं, जो कि रियल गैस का होता है। दूसरा अजम्पशन यह होता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, जबकि रियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और फोर्स के आने की वजह से, भाई फोर्स से कौन सी चीज इफेक्ट होगी? फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इफेक्ट होगा, तो उससे प्रेशर में। सो वी नीड टू करेक्शंस इन आइडियल गैस। आई रिपीट, वी नीड टू करेक्शन इन आइडियल गैस इक्वेशन। पहला करेक्शन वॉल्यूम पे करना है, क्योंकि कुछ वॉल्यूम गैस के मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई करेंगे, रियल गैस के मॉलिक्यूल्स बड़े होंगे तो कुछ वॉल्यूम हमको हटाना पड़ेगा, कुछ वॉल्यूम हमको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। जो वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई कर लिया उसमें गैस फ्रीली मूव नहीं कर सकती, वो है वॉल्यूम करेक्शन। और दूसरा हमें जो चेंज करना पड़ेगा वो प्रेशर में करना पड़ेगा। रियल गैस की जब इक्वेशन लिखेंगे, क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, फोर्स की वजह से आएगा प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर में भी कुछ चेंज करेंगे। क्लियर हो गए? तो दो करेक्शन होने वाले हैं, प्रेशर करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन। तो नोट्स बनाए, इतनी बातें लिखें कि इन रियल गैस इक्वेशन देयर विल बी टू करेक्शंस, इन रियल गैस इक्वेशन देयर विल बी टू करेक्शंस, पहला वॉल्यूम करेक्शन, दूसरा प्रेशर करेक्शन। तो यार रियल गैस इक्वेशन कई लोग ने फ्रेम की अपने अपने हिसाब से, ठीक है। एक पूरा साइंटिस्ट का सैलाब आया, सबने अपनी अपने सुझाव दिए, और उनमें से जो सबसे सक्सेसफुल, सबसे पहला और हमारे सिलेबस में होने वाला सुझाव था वो था वांडर वॉल रियल गैस इक्वेशन, है ना? किसने दिया? वांडर वॉल रियल गैस इक्वेशन, वांडर वॉल रियल गैस इक्वेशन, ये हमें पढ़नी है। किसकी? वांडर वॉल रियल गैस इक्वेशन। इन्होंने बोला ठीक है, आपने दो गलतियां की हैं आइडियल गैस में, एक तो उसके पार्टिकल का वॉल्यूम को जीरो माना है, दूसरा उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जीरो माना है। तो वांडर वॉल ने रियल गैस के लिए जो इक्वेशन दी वो थी पी प्लस ए एन स्क्वेयर बटे वी स्क्वेयर वी माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी। नोट करेंगे इसको, अभी एक एक टर्म को समझेंगे कैसे आया क्या हुआ सब समझेंगे, अभी सिर्फ नोट करें। p प्लस ए एन स्क्वेयर बटे वी स्क्वेयर वी माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी। पी प्रेशर, ए कॉन्स्टेंट, एन नंबर ऑफ मोल्स, वी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल्स, बी कॉन्स्टेंट, एन नंबर ऑफ मोल्स, आर गैस कॉन्स्टेंट एंड टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहां ए और बी को हम बोलते हैं वांडर वॉल कॉन्स्टेंट्स, वांडर वॉल कॉन्स्टेंट्स। तो वांडर वॉल ने दो कॉन्स्टेंट दिए, एक तो प्रेशर करेक्शन के लिए,
इस टर्म को हम बोलते हैं प्रेशर करेक्शन। बच्चों प्रेशर करेक्शन क्यों करना पड़ा खुद से पूछो, क्योंकि रियल गैस में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको हम बच्चों बोलते हैं वॉल्यूम करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन। और वॉल्यूम करेक्शन क्यों करना पड़ा बच्चों, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स का खुद का भी वॉल्यूम होता है। सो दो करेक्शन हुए हैं, प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन। अब इनको हम डिटेल में समझेंगे कि ये कैसे आया टर्म और क्यों लिखा, पहले आप इसको नोट करेंगे, ठीक है, कर लिया नोट। चले आगे बढ़े, हम नोट कर लिया ये P प्लस ए एन स्क्वायर बटे वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ये वांडर वॉल की रियल गैस इक्वेशन है। दिस इज प्रेशर करेक्शन, दिस इज वॉल्यूम करेक्शन। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से इक्वेशन पूरी चेंज हो गई। तो आइए बात करते हैं पहले वॉल्यूम करेक्शन की। तो हेडिंग लगा लें आप भी मेरे साथ, वॉल्यूम करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन एंड कॉन्स्टेंट बी, वॉल्यूम करेक्शन एंड कॉन्स्टेंट बी। बात करते हैं वॉल्यूम करेक्शन एंड कॉन्स्टेंट बी के बारे में, ठीक। तो अगर मेरे पास बच्चों आइडियल गैस होता, यदि आइडियल गैस होता तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, पॉइंट मास। अगर उन सारे मॉलिक्यूल्स को मैं साइड में रखता तो इन मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लेजिबल होता। मैं पूछता गैस के पास फ्रीली घूमने के लिए कितना स्पेस है, तो आप बोलते ये स्पेस है और इसके सामने ये वॉल्यूम नेग्लेजिबल। तो हम बोलते वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। यही हम करते भी थे आइडियल गैस इक्वेशन में, द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। क्यों किया, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कुछ है ही नहीं, गैस तो पूरे में घूम सकती है हर जगह। पर जब बात रियल गैस की आई तो रियल गैस के मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं पॉइंट मास। क्या होते हैं, पॉइंट मास। रियल गैस के होते हैं रिजिड स्फीयर्स, बड़े बड़े होते हैं मॉलिक्यूल्स। ये है रियल गैस के मॉलिक्यूल, काफी बड़े। अगर इनको आप साइड में एक जगह रखने की कोशिश भी करो तो भी आप देख सकते हो कि इन्होंने काफी ज्यादा वॉल्यूम कवर कर लिया। नाउ यू कैन नॉट राइट दैट वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अब गैस पूरे वॉल्यूम में नहीं घूम सकती, सिर्फ इसमें घूम सकती है, ये वाला तो इसके लिए हट गया। यहां पे भी ये हटा था पर ये बहुत छोटा था तो हमने नेग्लेक्ट कर लिया। दिस वॉल्यूम इज नेग्लेजिबल, दिस इज नॉट नेग्लेजिबल। सो वॉल्यूम ऑफ गैस इज नॉट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। यहां पे एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस कितना होगा, बोलेंगे सभी लोग मेरे साथ, जय माता दी नहीं बोलना है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ व्हाट, मॉलिक्यूल्स। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस एक्चुअली कितने में फ्री मोशन कर सकती है, कंटेनर का वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स। सो वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स विच इज टेकन एज बी, वी माइनस बी। तो जो हम वॉल्यूम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में जो वी यूज कर रहे थे, अब उस वी को हमें हटाना पड़ेगा, वी की जगह रखना पड़ेगा वी माइनस बी। वॉल्यूम में करेक्शन हुआ, ये वॉल्यूम हटा दिया हमने। इसको बच्चों हम बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूड कर दिया, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। इसको कई बार हम को वॉल्यूम भी बोलते हैं, ठीक है। तो जेई में देखोगे इस नाम से भी पूछ लेता है कि किस गैस का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा, तो नाम याद रखना चाहिए, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या को वॉल्यूम। बच्चों ये जो मैंने लिखा है दिस इज ट्रू फॉर वन मोल ऑफ गैस, ठीक है, एक मोल के लिए, एक मोल के लिए जो वॉल्यूम हमें यूज करना है इक्वेशन में, जो करेक्शन आया है वॉल्यूम में, वॉल्यूम करेक्शन, वो क्या है, वी माइनस बी। बी क्या है, जो वॉल्यूम हटाना है, इनका वॉल्यूम। अगर हम एन मोल्स की बात करें, फॉर एन मोल्स देन वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल्स टू वी माइनस एन बी, दिस इज द वॉल्यूम करेक्शन। तो वॉल्यूम करेक्शन क्या है मेरे पास, अब जो नया वॉल्यूम हमको यूज करना है वॉल्यूम ऑफ गैस, दैट इज वी माइनस एन बी। हमेशा याद रखो कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में वी वो वॉल्यूम है जिसमें गैस फ्रीली मोशन कर सके। यहां गैस फ्रीली मोशन किसमें कर सकती है, इस वॉल्यूम में,
तो टोटल कंटेनर का वॉल्यूम माइनस दिस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, जैसे इसको को वॉल्यूम, एक मोल के लिए वी माइनस बी, एन मोल्स के लिए वी माइनस एन बी। क्लियर है? मिटा दें यहां तक, नोट कर लें पहले, ठीक है? वैसे तो बहुत ज्यादा आपको इतना डिटेल में नहीं समझना था, फिर भी हमारा धर्म था आपको बताना, तो मैंने आपको बताया v माइनस एन बी फॉर n मोल्स। अच्छा, अब जो कॉमन क्वेश्चंस आते हैं यार हल्के फुल्के एग्जाम में, जैसे हमसे पूछता है b के यूनिट्स बताइए, आप b की यूनिट्स क्या होगी, तो यार डायमेंशनल एनालिसिस तुम पढ़ा होगा कि दो क्वांटिटी वही एड या सब्ट्रैक्ट होती है जिनका वॉल्यूम सेम हो, मतलब एन बी इज इक्वल्स टू वी, यानी बी इंटू इज इक्वल्स टू वी, मतलब क्या लीटर्स में, एन क्या है मोल्स, तो बी की यूनिट क्या हो जाएगी लीटर पर मोल्स, सही है? एन बी की यूनिट वॉल्यूम की यूनिट के बराबर होगी, है ना? एन क्या है मोल्स, वॉल्यूम लीटर्स, तो बी की यूनिट हो गई लीटर्स पर मोल हो गई, ठीक है? अच्छा, अब अगर हम आपसे पूछें व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ बी, सिग्निफिकेंस ऑफ बी, हमारे पास मान लो कोई दो गैसेस हैं, तो किसका बी बड़ा होगा किसका बी छोटा होगा, सिर्फ दिमाग लगाना है आपको। बी है क्या बच्चों, बी है क्या, बी है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम हमको हटाना है, क्यों हटाना है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स कुछ जगह ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बी हमारा डिपेंड करने वाला है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, यस और नो? भाई जितना बड़ा गैस का मॉलिक्यूल होगा उतना वॉल्यूम आपको एक्सक्लूड करना होगा। मान लो गैस का वॉल्यूम, मॉलिक्यूल का वॉल्यूम छोटा है तो बी की वैल्यू छोटी होगी, बड़ा है तो बी की वैल्यू बड़ी, यही तो है ना बी, कितना वॉल्यूम हटाना है, जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतना वॉल्यूम हटा देंगे, तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस। क्लियर रहेगा ये, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ठीक है? तो कंपैरिजन वाले ही क्वेश्चन आते हैं इसमें, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, पहला कंपेयर बी फॉर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, हमसे कहा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन का, ब्रोमीन हटा देते अपना लिक्विड हो जाएगा ना, तो फ्लोरीन और क्लोरीन का हमसे कहा कि बी कंपेयर करो, तो डेफिनेटली क्लोरीन का साइज बड़ा है तो क्लोरीन की बी की वैल्यू बड़ी होगी। हमसे कहा बी कंपेयर करो फॉर हीलियम नियन एर्गन क्रिप्टन ज़ेनन, तो आपको पता है कि जब आप ग्रुप में नीचे जाते हो तो साइज बढ़ता है, तो जिसका साइज बड़ा उसकी बी की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। क्लियर? जैसे हमसे कहा कंपेयर करो टाड़ा डी बी टाड़ा डी सी टू एच सिक्स सी एच फोर सी थ्री एच एट, हमसे कहा कंपेयर करो आप इनको ऑन द बेसिस ऑफ बी, तो इसमें सबसे बड़ा साइज किसका होगा बच्चों, सी थ्री एच एट, उसके बाद कौन होगा सी टू एच सिक्स, उसके बाद कौन होगा सी एच फोर। क्लियर? तो बस साइज देखनी है, जिसका साइज बड़ा होगा वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा मॉलिक्यूल, तो उसको ज्यादा हटाना पड़ेगा, तो बी डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ मॉलिक्यूल। क्लियर है? अच्छा, जैसे इसमें एक आइसोमर का क्वेश्चन आ सकता है ना, एक इसमें आइसोमर का सवाल आपसे पूछ सकता है, बहुत सिंपल है, जितना बड़ा साइज होगा मॉलिक्यूल का उतना हमें हटाना पड़ेगा बी उतना बड़ा। जैसे हमसे पूछ लिया कंपेयर वांडर वॉल कॉन्स्टेंट फॉर वॉल्यूम, ठीक है, ये भी नाम किसका है, बी का ही नाम है, वांडर वॉल कॉन्स्टेंट फॉर वॉल्यूम, बी को ही बोलते हैं। हमको ऑप्शन दिया दोपहर के बज रहे हैं करीब ढाई, दो बज के तीस मिनट, हमसे कहा इन दोनों का बी कंपेयर करो, तो यार किसकी साइज बड़ी है, इसकी है ना, देखो दोनों है तो आइसोमर, आइसोमर तो पहचान रहे हो ना, ये क्या है हमारा एन ब्यूटेन है ना, ये क्या है हमारा आइसो ब्यूटेन, दोनों का देखो फॉर्मूला वगैरह सेम है ना, सी फोर एच टेन सी फोर एच टेन, पर दोनों का बी अलग अलग है, जो स्ट्रेट चेन होता है बच्चों
उसका साइज बड़ा होता है, जो ब्रांच होता है उसका साइज छोटा हो जाता है. सो विच विल हैव ग्रेटर वैल्यू ऑफ बी, स्ट्रेट चेन. कोई चीज स्ट्रेट चेन में होती है उसका साइज बड़ा, ब्रांच हुआ था तो साइज छोटा होने लगता है. सो बी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस पे, बाकी बी का और कोई खास टेंशन नहीं लेना. कंपेयर करने को ही बोलता है, बी की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने को आपसे नहीं बोलेगा, है ना. बी की वैल्यू 99% टाइम गिवन होगी आपको अगर पूछेगा. या ज्यादातर सवाल तो यार ये सब आ ही नहीं रहे, ज्यादातर सवाल आते हैं ये कंपेयर करो, तो आपको समझ में बी का सिग्निफिकेंस क्या है ये आपको आना चाहिए. पहली चीज तो बी क्या है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम हटा रहे हैं. रियल गैस के मॉलिक्यूल बड़े होते हैं. दूसरी चीज, जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतना बड़ा बी होगा, तो ये बी का सिग्निफिकेंस. फिर भी यदि इन सब के बाद आपसे कोई कहता है बी की वैल्यू बताओ, बी निकाल के दिखाओ, ठीक है, तो मैं उसकी पूरी डेरिवेशन तो नहीं बता रहा आपको, एग्जैक्टली बता देता हूँ मतलब का नहीं आपको, मैं समझाने को समझाऊं पूरा कि बी कैसे आया, मतलब का नहीं. तो आप समझो बी इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल. किसी एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ले लो मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट इज द वैल्यू ऑफ बी. डेफिनेटली एक मोल के लिए बात कर रहे हैं हम, वी माइनस बी होता है एक मोल के लिए, है ना. एक मोल का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम यही तो है ना, वन मोल का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कितना होता है बी. अगर हम वन मोल के लिए इक्वेशन लिखते तो हम लिखते Vg is equals to V minus B for one. तो एक मोल का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बी है और बी की वैल्यू है 4 टाइम्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ वी ऑफ मॉलिक्यूल. इसको आप लिख सकते हो 4 टाइम्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. कैसा होता है बच्चों, रिजिड स्फीयर. रियल गैस के मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, रिजिड स्फीयर. तो आप लिख सकते हो 4/3πr³. स्फीयर का वॉल्यूम 4/3πr³. सो इसको नोट कर ले कि बी या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 4 टाइम्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ 4/3πr³ नोट करेंगे. देखो ये तो सबको समझ में आया कि एवोगैड्रो नंबर क्यों आया, क्योंकि बी किसके लिए डिफाइंड है, एक मोल के लिए. ये चार क्यों आया ये नहीं समझ में आया, थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूं. मान लो ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, तो ये दोनों आके एक दूसरे के अंदर घुस तो नहीं जाएंगे ना, नहीं चिपक सकते. मान लो मैं 3 मॉलिक्यूल रख दूं, 1, 2, 3, इन्होंने मिलके कितना वॉल्यूम खराब कर दिया, इन्होंने मिलके पता है इतना वॉल्यूम खराब कर दिया पूरा, ये साइड वाला ये पूरा खराब किया इन्होंने. कुछ वॉइड्स भी रह जाएंगे बीच में, वो भी तो खराब हो रहे हैं. कितने भी मॉलिक्यूल्स तुम पास में रख लो, कितना भी क्लोज रख लो, कुछ ना कुछ तो वॉइड्स भी खराब कर रहे हो आप, ये जगह भी खराब कर रहे हो. इसलिए हम ये नहीं लिखते कि एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल. भैया बी क्या है, हटा हुआ मॉलिक्यूल जो हटाना है, हटा हुआ वॉल्यूम जो हटाना है, जो एक्सक्लूड करना है. तो ये नहीं लिख सकते कि बी सिर्फ मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, एक मोल मॉलिक्यूल ले लिए उनका वॉल्यूम हटा दिया. नहीं, मॉलिक्यूल हटेंगे मतलब मॉलिक्यूल का वॉल्यूम हटेगा, साथ में ये वॉइड्स वाला वो भी हटेगा, एंड दैट इज द रीजन 4 कम्स इन प्ले. ठीक है, बाकी आपको बहुत डिटेल में नहीं समझना है, मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया कि सिर्फ मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नहीं हटाओगे ना, जब मॉलिक्यूल को क्लोज क्लोज रखोगे, जैसे मान लो ये डब्बा है, जब मॉलिक्यूल को क्लोज क्लोज रखोगे भी तो वो कुछ और वॉल्यूम भी खराब कर रहे हैं. देखो ध्यान से, ये सारा वॉल्यूम तो वो भी इंक्लूड हुआ. तो एवोगैड्रो नंबर मतलब एक मोल के लिए, वी वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इंटू 4, क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस भी देना है. क्लियर है, यहां से वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल आपने लिखा 4/3πr³. यहां से भी एविडेंट है आर क्या है, रेडियस, मतलब जितना ज्यादा साइज होगा मॉलिक्यूल का उतना ज्यादा बी का वैल्यू होगा. दिख रहा है, तो ये बात हुई वांडर वाल कांस्टेंट बी के बारे में और वॉल्यूम करेक्शन के टर्म के बारे में. अब बात करते हैं प्रेशर करेक्शन टर्म पे और कॉन्स्टेंट ए के बारे में. चलिए अगला हेडिंग लगा लीजिए, प्रेशर करेक्शन एंड कॉन्स्टेंट ए. प्रेशर करेक्शन एंड कॉन्स्टेंट ए. तो नेक्स्ट इज प्रेशर करेक्शन एंड कॉन्स्टेंट ए. जब भी कोई लड़की देखे मेरा दिल दीवाना बोले, ओले 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 ओले. चलो भाई प्रेशर करेक्शन पे आते हैं. तो दिक्कत क्या थी, अगर हमारे पास आइडियल गैस होती बच्चों,
प्रेशर ऑफ गैस किस वजह से होता है? द प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। यह बात बताओगी कि जो प्रेशर ऑफ गैस होता है वो किस वजह से आता है? जब गैस के मॉलिक्यूल जाके वॉल पर हिट करते हैं, इस हिटिंग की वजह से प्रेशर डेवलप होता है। मैंने काइनेटिक थ्योरी पूरा डिराइव किया था, मोमेंटम वगैरह चेंज होता है, ये जाता है mv से, लौटता है माइनस mv से, मोमेंटम चेंज हुआ, चेंज इन मोमेंटम से क्या बनती है? फोर्स बनती है, फोर्स अपॉन टाइम से, सॉरी फोर्स अपॉन एरिया से प्रेशर आता है। आइडियल गैस में खास बात क्या थी? मान लो ये मॉलिक्यूल है, मैं चला, मैं मारेगा दीवार को, मैं जा रहा v वेलोसिटी से मारेगा मैं, इसके पीछे एक और मॉलिक्यूल है, क्या ये मॉलिक्यूल आगे वाले मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? आप बोलोगे हाँ, मैं बोलूंगा ना, क्योंकि आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। अजम्पशन, काइनेटिक थ्योरी का अजम्पशन था आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, तो मतलब ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो ये जाएगा मारेगा, मारेगा, मैं मारेगा दीवार को पटाक, मैं पलटेगा पटाक, एमवी से गया, लौटा माइनस एमवी से, वगैरह वगैरह जैसी चीजें हुई, और यहां पे उसने कुछ प्रेशर लगाया, लेट दैट बी प्रेशर बी पी, है ना, पी आइडियल। अच्छा, अब बात करते हैं रियल गैस की। अब रियल गैस का कहानी भी सेम ही होगा। यहां पे एक मॉलिक्यूल है बड़ा सा, रियल गैस में कितना बड़ा है, धब्बे जैसा मॉलिक्यूल, मैं मारेगा दीवार को, ये भी बड़ा, मैं भी मारेगा दीवार को वी वेलोसिटी से, इसका नाम दे दो ए। इसके पीछे लगे हैं तीन गुंडे, बड़े बड़े इनके जैसे, इनका नाम दे दो बी। अब ये रियल गैस है, इसमें कौन सी फोर्स होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब ए को ये मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ पुल कर रहे होंगे, बिकॉज देयर एग्जिस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस बार ए उतनी तेजी से आकर वॉल पर हिट नहीं कर पाएगा, उतना प्रेशर आके ये नहीं लगा पाएगा। क्यों नहीं लगा पाएगा? क्योंकि पीछे से बी वाले उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, पिछली बार उसको कोई नहीं अट्रैक्ट करता, जाके उसने मारा, वेलोसिटी चेंज हुई, मोमेंटम चेंज हुआ, कहानी खत्म हुई। यहां इसके कुछ प्रेशर को कम कर देगा, मतलब यहां ये जो आके मारेगा, जो प्रेशर बनेगा रियल गैस का, दैट विल बी लेस। अगर पूछू इन दोनों से ज्यादा प्रेशर किसका, तो आप बोलोगे आइडियल गैस का प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है रियल गैस से। क्लियर हो गई क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज ऑफ दैट। अब जो असली सवाल आएगा, जो हमारे पास इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इसमें बच्चों वॉल्यूम कौन सा रखते हैं? जरा खुद से सवाल करो। वॉल्यूम वो रखते हैं जिसमें गैस फ्रीली मूव कर सके, हम वो वॉल्यूम रखते हैं इन विच गैस मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रीली, ठीक। इसी तरह से इसमें प्रेशर कौन सा रखते हैं? इसमें हम प्रेशर रखते हैं जो एक्चुअली गैस का प्रेशर हो, एक्चुअली मॉलिक्यूल्स का जो एक्चुअल प्रेशर हो, दिल से निकला। अब चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो, दोनों ही प्रेशर यहां पे रखने चाहिए। आइडियल गैस इक्वेशन का जो प्रेशर का टर्म है उसमें जो पी रखते हैं वो मॉलिक्यूल्स का ओरिजिनल प्रेशर, चाहे वो वॉल पे मार रहे हैं, चाहे वो आपस में प्रेशर का खेल खेल रहे हो, ये भी तो प्रेशर ही लगा रहा है, खींचा इसको फोर्स से, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये भी एक प्रेशर है। तो हमने जो बाहर प्रेशर देखा वो तो सिर्फ एक्सटर्नल प्रेशर देखा, हम मेजर किए एक्सटर्नल प्रेशर, हमने कहा ठीक है यही प्रेशर है, पर वो गलत है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में गैस का टोटल प्रेशर रखना है हमको, चाहे वो बाहर दीवार पे मार रहा हो, चाहे अंदर भी कोई खेल खेल रहा हो। काइनेटिक थ्योरी में अजम्पशन था कि अंदर कोई प्रेशर है ही नहीं, पर यहां अंदर आपस में भी प्रेशर है, एंड दैट इज प्रेशर इंटरनल। तो यहां पे हमें कौन सा प्रेशर रखना होगा? अगर हम पूछें व्हाट इज द प्रेशर ऑफ गैस विच हैज टू बी केप्ट, दैट इट विल बी पी प्लस पी इंटरनल। जो पहले से प्रेशर आ रहा था वॉल पे, ये वाला जो हमें दिख रहा था, जो ऑब्जर्व हो रहा था, वो प्रेशर, क्लियर। साथ में एक नया प्रेशर आया इंटरनल वाला, आइडियल में ऐसा कोई इंटरनल प्रेशर नहीं था, यहां पे आके जो प्रेशर मारता था उसी प्रेशर को उठा के हम इक्वेशन में रख देते थे, पर रियल में आके यहां पे मारा, जो प्रेशर आया वो थोड़ा सा कम है, क्योंकि अंदर भी कुछ प्रेशर का खेल हो रहा है जो कि गायब हो गया है। तो अगर आपको एक्चुअल प्रेशर चाहिए तो प्रेशर को ऐड करना पड़ेगा। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें, मैं भी रहता था जब छोटा था, कि ये प्रेशर ऐड क्यों हुआ, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं हुआ। तो
अभी आपको क्लियर हुआ होगा क्योंकि प्रेशर है क्या, एक्सटर्नल हो इंटरनल, सारा प्रेशर का खेल हमको समझना है। कुछ प्रेशर यहां दे रहा है, कुछ वो अंदर भी। गैस का टोटल प्रेशर क्या है, गैस का ध्यान बढ़ गया है, कुछ वो इधर प्रेशर लगा पा रहा है कुछ अंदर। तो हमने कहा इधर कितना लगाया जो अभी तक ऑब्जर्व हो रहा था स्टार्टिंग से पी, यही तो हम मेजर करते थे। अंदर कितना लगाया हमने बोला पी इंटरनल, तो हमने बोला प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू पी प्लस पी इंटरनल। सो इसको हम बोलते हैं प्रेशर करेक्शन। तो प्रेशर करेक्शन क्या हो गया, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू पी प्लस पी इंटरनल। अच्छा यहां तक समझ में आई कहानी, नोट कर लें फिर मिटार के आगे बताऊं मैं कैसे कैसे टर्म्स आगे आएंगे। नोट करेंगे भाई, मैं साइड में खड़ा हो जाऊं। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, आगे आ जो किसी पे प्यार तो क्या कीजिए। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, अब प्यार करना है तो रियल गैस से करो ना। चलो तो हमने बोला प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू पी प्लस पी इंटरनल। इंटरनल वाला टर्म क्यों आया, नया करेक्शन टर्म क्यों आया, क्योंकि हमने देखा कि ये जो ए वाला मॉलिक्यूल आ रहा था मारने, इसको पीछे खींच रहे थे कोई, उसी के मॉलिक्यूल, उनका नाम बी दे दिया, जो खींच रहे हैं उनका नाम बी दे दिया। ये प्रेशर इंटरनल बना रहे और ये जाके प्रेशर एक्सटर्नल, मतलब ये वाले को तो हम पी ही बोल रहे हैं जो जाके मार रहा है, अंदर वाले को पी इंटरनल। अब मेरी बात सुनो, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, ए टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन क्या है। इसके अंदर जितने मॉलिक्यूल हैं सबके सब ए टाइप के नहीं, अरे बी वाला भी तो कभी ना कभी ए टाइप का बनेगा भाई, बी वाले के पास भी तो इधर एक दीवार होगी, बी वाला भी तो जाके इधर मारेगा। दूसरी बात, बी वाला रैंडम मोशन भी तो कर रहा है, जुम 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 जुम। बी वाला हो सकता है कभी इस दीवार के पास आए और ए वाला तब बी वाला क्या रोल प्ले करे। मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब बी टाइप के भी हैं, सब ए टाइप के भी हैं, समझो बात को। ये भी जाके मार सकता है, ये भी जाके मार सकता है, ये बी भी है ये ए भी है, कभी बी बनेगा कभी है। तो मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो ऑल द मॉलिक्यूल्स आर ए मॉलिक्यूल्स। तो मान लेते हैं इसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ ए टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो हम कंसंट्रेशन मोल्स के टर्म्स में लिख लेते हैं। मान लो इसके अंदर n मोल्स हैं, टोटल कितने मोल्स हैं, n मोल्स, तो कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, n डिवाइड बाय v, सही है। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ b टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, b टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मैं पूछूं इनकी कंसंट्रेशन क्या है, तो यार b टाइप्स के मॉलिक्यूल कौन है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये भी, ये भी तो b है, जब ये आगे आ जाएगा तो ये b बन जाएगा। मतलब इसके अंदर जितने भी मोल्स हैं, इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल हैं सब बी टाइप के भी हैं, सब ए टाइप। क्या कंफ्यूज हो रहे हो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब ए टाइप के, कभी बी जाएगा यहां लड़ने, कभी ये जाएगा लड़ने, कभी ये जाएगा। तो इसके अंदर अगर एन मोल्स हैं तो ऑल एन मोल्स कैन कोलाइड, सब आके मार सकते हैं, सब ए टाइप के। तो मैंने बोला कंसेंट्रेशन क्या हुई, एन डिवाइड बाई वॉल्यूम। फिर जब बी टाइप के कितने हैं तो सब बी टाइप भी बन सकते हैं, तो वो भी कितना हो जाएगा, एन बाई वी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो इंटरनल प्रेशर है क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए टाइप्स और बी टाइप्स के मॉलिक्यूल पे, सोच के आंसर देना। जितने ज्यादा ए टाइप्स के मॉलिक्यूल होंगे, जितने ज्यादा बी टाइप्स के होंगे, उतना ज्यादा इंटरनल प्रेशर होगा। इंटरनल प्रेशर किसके बीच में है, ए टाइप और बी टाइप के बीच में, तो जितने ज्यादा ए टाइप के, जितने ज्यादा बी टाइप के, उतना ज्यादा इंटरनल प्रेशर। यानी ये प्रोपोर्शनल होगा एन बाई वी मल्टीप्लाइड बाई एन बाई वी के, यस और नो। ए टाइप भी एन बाई वी हो सकते हैं, बी टाइप भी एन बाई, कंसेंट्रेशन समझ में आ रहा है, एन मोल्स है, एन डिवाइड बाई वी। सारे मॉलिक्यूल्स ए टाइप के हैं, सारे मॉलिक्यूल्स बी टाइप के हैं, डिपेंड करेगा कौन लड़ने जा रहा है, कौन नहीं लड़ रहा। तो भैया प्रोपोर्शनैलिटी का साइन को हटाएंगे और हम कांस्टेंट का साइन लाएंगे और हम बोलेंगे पी इंटरनल इज इक्वल्स टू, ये क्या है, एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, ए एन स्क्वायर बटे वी स्क्वायर। इसको मिटा दूंगा मैं। पी इंटरनल इज इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर बटे वी स्क्वायर, समझ में आ रहा है। ए टाइप्स के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन जितने नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, बी वाले जितने नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि सभी ए सभी बी है,
तो पी इंटरनल मैंने प्रोपोर्शनलिटी हटाई, कांस्टेंट लगाया ए एन स्क्वायर बटे बी स्क्वायर. सो फाइनली वी कैन राइट प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू पी प्लस ए एन स्क्वायर बटे बी स्क्वायर. यही मैंने शुरुआत में वैन डर वाल इक्वेशन में लिखा था और देखो यही चीज मैंने थोड़ा बहुत आपको प्रूफ करने की कोशिश की. वेयर ए इज वैन डर वाल कांस्टेंट फॉर प्रेशर, दिस इज प्रेशर करेक्शन टर्म. दिस इज प्रेशर करेक्शन टर्म. एक बार तो जेई में सीधा सीधा पूछा था कि गिवन में से प्रेशर करेक्शन टर्म कौन सा है. हलवा सवाल पूछा, इन गिवन चार ऑप्शन में से प्रेशर करेक्शन टर्म कौन सा है. ये रहा ए एन स्क्वायर बटे वी स्क्वायर. नोट कर लें इसको. सो दिस इज प्रेशर करेक्शन. वैसे बेसिकली मैं बता दूं आपको, इतना डिटेल में जानना ही नहीं था. आपको जाना था वॉल्यूम करेक्शन वी माइनस एन बी, बी का सिग्निफिकेंस, प्रेशर करेक्शन पी प्लस एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर. चलिए तो आगे बढ़ते हैं. अभी ए के बारे में बातें करते हैं. प्रेशर करेक्शन तो हमें समझ में आया. नाउ विल डिस्कस अबाउट ए. तो प्रेशर करेक्शन क्या है, पी प्लस ए एन स्क्वायर बटे वी स्क्वायर. सबसे पहले बात करते हैं यूनिट ऑफ ए पे. तो डायमेंशनल एनालिसिस के हिसाब से ये प्रेशर है तो ये पूरा भी प्रेशर होना चाहिए. दो सेम क्वांटिटी ही ऐड हो सकती है सेम यूनिट वाली. यानी प्रेशर की यूनिट बराबर होगी ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर के. प्रेशर इज एटीएम, ए आई डोंट नो, एन इज मोल, मोल का स्क्वायर, वी इज वॉल्यूम, लीटर्स का स्क्वायर. सो यूनिट ऑफ ए इज एटीएम लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर. ठीक है, यूनिट ऑफ ए इज एटीएम लीटर स्क्वायर पर मोल का स्क्वायर. डायमेंशन वगैरह निकाल सकते हैं आप इसके बाद, है ना. प्रेशर की जगह फोर्स अपॉन एरिया रख लेंगे, ठीक है ना. नंबर ऑफ मोल्स का कोई डायमेंशन नहीं है अपना. क्लियर है, एटीएम लीटर स्क्वायर. इन दोनों का यूनिट सेम होगा ना, तभी तो ऐड हो रहा है. तो इसका एटीएम ए मोल स्क्वायर प्लस लीटर स्क्वायर, एटीएम लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर. क्लियर है. अच्छा अब बात करते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ ए क्या है. सिग्निफिकेंस ऑफ ए, बी क्या था सिग्निफिकेंस, जितना बड़ा साइज ऑफ मॉलिक्यूल उतना ज्यादा बी. सिग्निफिकेंस ऑफ ए, तो बच्चों ए आया क्यों है जरा याद करो, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. मतलब ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग मॉलिक्यूल से पैदा हुआ है. ए की जो बर्थ हुई है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग मॉलिक्यूल से है. अच्छा, मतलब जितनी ज्यादा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होगी, जितनी ज्यादा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होगी उतना ज्यादा ए का वैल्यू होगा. भाई जितनी ज्यादा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होगी उतना मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट करेंगे, उतना एक इंटरनल प्रेशर क्रिएट करेंगे और उतना करेक्शन बढ़ता जाएगा. अच्छा, जैसे हम आपसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देते हैं कि हमारे पास कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे पास कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो किसका ए ज्यादा होगा. जैसे हम एग्जांपल देते हैं, हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है और इस तरफ मान लो हमारे पास मिथेन CH4 है, तो किसके लिए ए की वैल्यू ज्यादा होगी. तो आपको पता है पोलर पोलर के बीच में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन लगता है. याद आ रहा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है ना. और यहां क्या लग पाएगा, यहां तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन जो कि वीक है. इन शॉर्ट समझो कि पोलर का जो अट्रैक्शन होता है या पोलर के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो नॉन पोलर से ज्यादा हो. भाई डाइपोल डाइपोल बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा. सो एक अगर डिसीजन लेना है तो बस इतना देख लो कि कौन ज्यादा पोलर है. जो पोलर होगा उसका ए बड़ा होगा. ए क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. SO2 आपस में ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, हाँ या ना. SO2 याद है, S डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, इसके ऊपर थोड़ा नेगेटिव इसके ऊपर थोड़ा पॉजिटिव, तो अगल बगल वाले को अट्रैक्ट करेगा. यहां कोई पोलैरिटी नहीं आएगी. क्लियर. अच्छा, पर मान लो बच्चों सबके सब नॉन पोलर या सबके सब पोलर हो जाए. क्वेश्चन टू देता हूं मैं आपसे पूछता हूं, कंपेयर ए फॉर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन. फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन. अब फ्लोरीन नॉन पोलर हो गया, अब एफ एफ छुड़ाए,
खुद से फ्लोरीन जुड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, ये कौन सा मॉलिक्यूल है FF, ये कौन सा मॉलिक्यूल है CLCl, ये कौन सा मॉलिक्यूल है BRBR, ये कौन सा मॉलिक्यूल है II, है ना, मतलब फ्लोरीन 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 रखे हुए हैं, तो अब ये तो नॉन पोलर हो गया ना, अभी सबके सब क्या है नॉन पोलर, है ना, नॉन पोलर। अब बताओ ए कैसे कंपेयर करोगे, कुछ याद आ रहा है, केमिकल बॉन्डिंग के वीडियोस देखे हैं मेरे, कुछ याद आ रहा है, याद आ रहा है तेरा प्यार प्यार प्यार, क्या याद आ रहा है, मैंने आपको यह बताया था कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम वांडर वॉल फोर्स भी बोलते हैं। हाँ, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम वांडर वॉल फोर्स भी बोलते हैं, और वांडर वॉल फोर्स मोलर मास पे डिपेंड करती थी, जितना ज्यादा मोलर मास उतना ज्यादा वांडर वॉल फोर्स, मतलब ए को चेक करने का एक तरीका क्या है, मोलर मास चेक कर लो। ये मैंने वांडर वॉल फोर्स में आपको पढ़ाया है टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग का, आप यूट्यूब पे टाइप करो वांडर वॉल फोर्स फिजिक्स वाला केमिकल बॉन्डिंग, मिल जाएगा आपको टॉपिक आराम से। आप लोग बोलते हो डिस्क्रिप्शन में कितना लिंक डालूं डिस्क्रिप्शन में, मैं इसलिए सिंपल बोलता हूं यार, इंटेलिजेंट बनो, यूट्यूब पे कोई चीज ढूंढनी है मेरा टैग यूज करो फिजिक्स वाला, साथ में उस चीज को टाइप कर दो वांडर वॉल फोर्स फिजिक्स वाला। तो मैंने बताया था कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, उनके बीच में भी जैसे एक फ्लोरीन एक और फ्लोरीन, इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, कौन सी, वांडर वॉल, जो कि किस पे डिपेंड करती है, मोलर मास पे। तो भैया मोलर मास सबसे ज्यादा आयोडीन का है, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। यार इसको तुम लॉजिकली भी सोच सकते थे, ए क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा। फ्लोरीन का स्टेटस क्या होता है, गैस, आयोडीन का क्या होता है, सॉलिड, ब्रोमीन का क्या होता है, लिक्विड, क्यों हो रहा है ऐसा, ये सॉलिड है मतलब इनके मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तभी तो इसके लिए ए की वैल्यू हाईएस्ट। ये गैस है मतलब इनकी ए की वैल्यू बहुत कम है, ये लिक्विड है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर भी ज्यादा है, तो इसलिए तो ए डिपेंड करता है किस पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं, लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं इसी के लिए, सब लोग खुद से करेंगे, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर A for, compare A for CO2, O2, NH3. चलो CO2, O2, NH3. कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, अमोनिया, एन एक और ले लो नाइट्रोजन N2, चारों को ले लो। कंपेयर A for CO2, O2, NH3, N2. चलो इसको ऑर्डर में लगाओ, चलो भाई पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे, 1, 2, 3, 4 सॉल्व करो ये क्वेश्चन यार, हर भाई हो गया, सीधी सपाट जिंदगी बवाल हो गई, चल भाई हो गया हो गया। चलो भाई मोलर मास देखें अपन, चल भाई मोलर मास देखते हैं, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, 16 × 32 12, 44, ऑक्सीजन 16 × 32, नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 1, तो 14 और 3 17, नाइट्रोजन 14 और 2 मतलब 28। तो अगर मैं मोलर मास के बेसिस पे अरेंज करूं, क्योंकि मुझे पता है ए डिपेंड्स अपॉन मोलर मास, अरेंज करूं तो ऑर्डर बनेगा, सबसे आगे आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद आएगा ऑक्सीजन, उसके बाद आएगा नाइट्रोजन, और उसके बाद आएगा अमोनिया। क्या यही लिखा है आपने, मिलाए आंसर को, मैंने मोलर मास सबके निकाले, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44, ऑक्सीजन का 16 16 32, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 3 17, नाइट्रोजन का 14 और 2 28, सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर अमोनिया। क्या यही लिखा है आपने, बहुत बढ़िया, बधाई हो, आप सबने गलत कर दिया जिन्होंने ये लिखा है, क्यों क्यों भाई ऐसा क्यों, वाई वाई सर वाई वाई, क्या ए मोलर मास पे डिपेंड करता है, नहीं यार ए तो इंटरमोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड करता है, ए मोलर मास पे नहीं, ए इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो सिचुएशन ऐसी थी सब नॉन पोलर थे तो देख लिया। यहां पे जरा ध्यान से देखो, अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, याद आया, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, अमोनिया के मॉलिक्यूल्स में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, अमोनिया हैज अ वेरी हाई वैल्यू ऑफ ए, व्हाई,
अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग चल रही है अंदर भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, सब क्या है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, आपस में कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में कोई इतना अच्छा अट्रैक्शन नहीं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में इतना अच्छा अट्रैक्शन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड में ठीक ठाक अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ मोलर मास। यहां जो अट्रैक्शन हो रहा है वो वांडर वॉल से परे है, ऑक्सीजन को अट्रैक्ट कर रही है वांडर वॉल फोर्स से, नाइट्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा है वांडर वॉल फोर्स से, कार्बन डाइऑक्साइड अट्रैक्ट कर रहा है वांडर वॉल फोर्स से, थोड़ा सा डाइपोल भी होता है थोड़ा सा, ऑल्दो ये पोलर नहीं है मान लो पर बात को। अमोनिया अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे को हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। मोलर मास की तो बात ही खत्म हो गई, बहुत आगे है ये, क्लियर हुई बात? मतलब इसमें एक एक्सेप्शन होगा, बाकी ऑर्डर तो आपका सही है, सबसे आगे अमोनिया, उसके बाद मोलर मास पे चल लो, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन। तो थोड़ा बहुत ध्यान देते रहना है कि ए को सिर्फ मोलर मास पे मत टिका देना, ए का मतलब समझना, ए का मतलब है किसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जाता है। यहीं से मुझे एक बात और याद आती है कि सन 1847 में ए का सिग्निफिकेंस थोड़ा सा और बताता हूं मैं, ठीक है? एक बात और मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट याद आई कि ए की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी बच्चों, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, और जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना गैस का लिक्विफिकेशन भी ज्यादा होगा, गैस इजली लिक्विफाई हो जाएगी। भाई जिन मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा वो जल्दी आपस में चिपकेंगे, पास आएंगे और गैस से लिक्विड बन जाएंगे। तो आपसे ये भी पूछ सकता था कि इसमें से कौन इजली लिक्विफाई होगी, विच ऑफ फॉलोइंग विल लिक्विफाई मोस्ट इजली। मान लो हमको ये दे दिया, ऑप्शन क्या क्या है मेरे पास, HF, दूसरा ऑप्शन है मेरे पास पानी डूबे SO2, तीसरा ऑप्शन है मेरे पास पानी डूबे NH3 नहीं ला सकता, ऐसा करता हूं यहां पे NH3 SO2, तीसरा ऑप्शन मिथेन, चौथा ऑप्शन इथेन। पूछा सबसे इजिली कौन लिक्विफाई होगा, तो भैया जिसके A की वैल्यू सबसे ज्यादा, जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा। आप देख रहे हो इन सब में भैया एक यही है जो क्या लेके आ रहे हैं अपने साथ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो डेफिनेटली अमोनिया विल लिक्विफाई मोस्ट इजली। क्लियर है? पर बहुत सी बातें, अगर आपको याद हो आपने हेबर्स प्रोसेस पढ़ रखा होगा अमोनिया की प्रिपरेशन का, वहां पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया तीनों होते हैं, और अमोनिया को हम कलेक्ट करते हैं लिक्विफिकेशन से, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इतनी इजली लिक्विफाई नहीं होते। याद है इक्वेशन लिखू हेबर्स प्रोसेस की, N2 plus H2 gives, याद है 2NH3 है ना, N2 plus 3H2 ये तो था 2NH3। यहां पे हम अमोनिया को कलेक्ट किससे करते थे, बाय द प्रोसेस ऑफ लिक्विफिकेशन, जबकि आपको पता है नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, अमोनिया भी गैस है। जो मिक्सचर हमारे पास है रिएक्शन का उसमें तीन गैसेस हैं, पर आप अपने प्रोडक्ट को कैसे कलेक्ट कर रहे थे, लिक्विफिकेशन से। आपको डर नहीं था क्या कि नाइट्रोजन भी लिक्विफाई कर जाएगा, हाइड्रोजन भी लिक्विफाई कर जाएगा? नहीं करेगा, इनके ए की वैल्यू स्मॉल है, इनके ए की वैल्यू स्मॉल है, अमोनिया की ए की वैल्यू हाई है। बातें समझ में आ रही है? इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना अच्छा नहीं है, दे डोंट लिक्विफाई इजली। तो मतलब याद रखना जिसके ए की वैल्यू ज्यादा उसका लिक्विफिकेशन ज्यादा हो सकता है। बहुत सिंपल से सवाल दे दे, आपको चार गैस उठाए और चार गैस के ए की वैल्यू दे दे, आपको उठा के चार गैस दे और चार गैस के ए की वैल्यू बता दे। अब आपसे पूछे इसमें सबसे इजीली लिक्विफाई कौन होगी, तो जिसका ए ज्यादा उसका ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ज्यादा। तो आई थिंक मैंने डिटेल में आपको चीजें बताई, यहीं पे एक नोट बना के आपको बात लिखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट बनाएंगे आप ए के लिए ही। हाइड्रोजन एंड हीलियम आर वेरी वेरी स्मॉल, या बोल दो वेरी वेरी लाइट, बहुत हल्के होते हैं। सो इनके अंदर वांडर वॉल फोर्स बहुत ही वीक होती है, मतलब इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक होती है,
जिसके चलते इनके ए की वैल्यू करीब करीब जीरो होती है। नोट करेंगे, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए वांडरवॉल कांस्टेंट ए की वैल्यू जीरो रहती है। नोट करेंगे इस बात को। तब तक मैं अपने मार्कर को इंक पिला दूं थोड़ी सी। मार्कर तुम इंक पी लो। हाँ, आपको इसमें बड़ा मजा आ रहा है। अरे यहां लिखो, हाइड्रोजन और हीलियम का साइज इतना छोटा है ना, साइज से भी वांडरवॉल फोर्स अफेक्ट होती है, यह भी याद रखना। साइज से भी वांडरवॉल फोर्स अफेक्ट होता है, दैट इज ट्रू। जैसे मान लो हम तुमको आइसोमर दे देते हैं अभी, वही वाला है ना, ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, आपसे पूछते किसके ए की वैल्यू ज्यादा, तो जिसका साइज बड़ा होगा, मतलब एन ब्यूटेन का, उसके ए की वैल्यू ज्यादा। वांडरवॉल फोर्स मास पे भी डिपेंड करती है, साइज पे भी, जिसका साइज बड़ा उसका वांडरवॉल फोर्स है। तो वापस आते हैं, हाइड्रोजन हीलियम बहुत छोटे हैं, बहुत हल्के हैं, तो उनकी वांडरवॉल फोर्स वीक है और उनके लिए ए की वैल्यू करीब करीब जीरो होती है। सो दैट्स इट फ्रॉम प्रेशर करेक्शन एंड वांडरवॉल कॉन्स्टेंट ए। अब कंबाइन करते हैं दोनों बातों को और समझते हैं इस इक्वेशन को इन डेप्थ। सो आई विल कंबाइन बोथ ऑफ दीज थिंग्स। सो लेट अस कंबाइन दीज थिंग्स। वांडरवॉल इक्वेशन लिखता हूं मैं, वांडरवॉल गैस इक्वेशन, वांडरवॉल रियल गैस इक्वेशन क्या बनी, T प्लस ए एन स्क्वेयर बटे वी स्क्वेयर वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। डिटेल में मैंने सारी बातें बता दी इसके अंदर, जो जो हो सकती थी। ठीक है, क्लियर, इक्वेशन वगैरह आएगी, क्वेश्चन वगैरह कर लोगे, ए और बी गिवन होते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम इस इक्वेशन से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड को। अगर अभी भी आपने गैसेस स्टेट का वीडियो 07 नहीं देखा तो आप जरूर देख लो, क्योंकि कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड हम पिछले वीडियो में काफी कुछ बता चुके हैं। आज हम जेड को एक्सप्लेन करेंगे वांडरवॉल इक्वेशन के हिसाब से, ए और बी के हिसाब से। पिछले लेक्चर में हमने जेड को ग्राफ से एक्सप्लेन किया था, वही बातें आज भी आएगी, कुछ नया नहीं होगा। जो बातें वहां बताई थी वही बातें यहां भी आएंगी, पर आज इक्वेशन के फॉर्म में। तो जेड के बारे में थोड़ी बहुत बातें आपको याद होनी चाहिए। जेड इज इक्वल टू पी वी बाय आर टी, या Z इज इक्वल टू V रियल अपॉन V आइडियल, सब पिछले वीडियो में आपको मिलेगा। आइडियल गैस के लिए Z की वैल्यू होती है 1, रियल गैस के लिए Z की वैल्यू या तो लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1। लेस देन 1 को आप बोलते थे नेगेटिव डेविएशन, और ग्रेटर देन 1 को आप बोलते थे पॉजिटिव डेविएशन। मुझे हमेशा पता है इनकंप्लीट सा लगता है, मुझे अभी दिल से मेरे आ रहा है कि मैं पूरा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अच्छे से समझा दूं, पर कुछ मेहनत आप भी करिए, यूट्यूब पे जाइए और लिखिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, है ना, या लिखिए गैसियस स्टेट 07 फिजिक्स वाला, और वहां पे आपको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन, इन डेप्थ पूरी कहानी समझाई जाएगी इसके पिछले वीडियो में। तो चलिए भाई हम जेड की बातें करते हैं इनके टर्म्स में और स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को भी, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू पे। सीधे सीधे सवाल यहां से आते हैं, तो आइए देखते हैं। ठीक है, हम जेड को डिस्कस करेंगे एट डिफरेंट कंडीशंस। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ, नोट फर्स्ट, एट पुंगा लो प्रेशर, एट लो प्रेशर मान लीजिए प्रेशर कम है, तो बच्चों जब प्रेशर कम करोगे तो गैस एक्सपैंड करेगी, तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा। मान लो गैस का प्रेशर कम है, प्रेशर कम करोगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स दूर भागेंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो बच्चों V माइनस एन बी में से ये B वाला टर्म आप निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि वॉल्यूम बहुत बड़ा है। A और B छोटे होते हैं, ये भी समझो, ए और बी बहुत बड़े नहीं होते, ए और बी दोनों स्मॉल होते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम बात कर लेते हैं आज वन मोल गैस की,
यहां सारा डिस्कशन हम 1 मोल गैस का ले लेते हैं, सारा डिस्कशन 1 मोल गैस का ले लेते हैं। अगर प्रेशर कम हुआ तो गैस एक्सपैंड करेगी और वॉल्यूम ज्यादा होगा। अगर वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो उसके सामने V माइनस बी में करीब करीब ये टर्म V के बराबर हो जाएगा। वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, B एक छोटा नंबर है, तो हम बोल सकते हैं इस कंडीशन में B नेग्लेजिबल हो जाएगा। तो एट अ लो प्रेशर B इज नेग्लेजिबल। अच्छा, अब इक्वेशन क्या बनेगी, P प्लस ए एन स्क्वायर, नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो A बटे V स्क्वायर, एन स्क्वायर एन की जगह 1 रखा, V माइनस बी हटा दे क्योंकि भैया बी तो खत्म, इज इक्वल्स टू एन नंबर ऑफ मोल्स 1 आर टी। ठीक है ना, इसको एक्सपेंड करेंगे तो हम लिखेंगे पी वी प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए बटे वी इज इक्वल्स टू आर टी। एक काम करें, इस पूरी इक्वेशन को आर टी से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई आर टी ऑन बोथ साइड, तो पी वी बाय आर टी प्लस ए अपॉन वी आर टी is equals to RT by RT, that is 1। अब बच्चों PV by RT क्या है, Z, PV by RT क्या है, Z, यही तो Z होता है, compressibility factor, Z plus A बटे VRT is equals to 1, Z is equals to 1 minus A by VRT। कई बार तो सीधा सीधा टर्म ही पूछ लेता है कि लो प्रेशर पे Z की वैल्यू क्या होगी, तो सीधा सीधा आप इसी को लिख दोगे, तो याद मत करना, आप लॉजिक समझना, आप वंडर वॉल इक्वेशन को याद रखना। आप कहना प्रेशर लो है तो भैया वॉल्यूम ज्यादा, और अगर वॉल्यूम ज्यादा तो उसके सामने बी नेग्लिजिबल, फिर आप वंडर वॉल इक्वेशन उठाना, पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, वी माइनस एन बी, नंबर ऑफ मोल 1 रख दिया, उसके बाद इक्वेशन बन गई, आरटी से डिवाइड कर दिया, जेड की वैल्यू आ गई। चाहो तो याद रख लो, नहीं याद हो रहा तो बस इतना याद रखो कि लो प्रेशर पे वॉल्यूम ज्यादा होता है, वंडर वॉल इक्वेशन मुझे लगाना आता है, वॉल्यूम ज्यादा तो बी नेग्लिजिबल, और फिर मैं इक्वेशन लगा के जेड निकाल लूंगा। मुझे एक बात बताओ, इस टाइम जेड क्या है, डेफिनेटली जेड लेस देन 1 है, मतलब कौन सी डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन। अभी मैंने Z का एक फॉर्मूला लिखा था, V real upon V ideal, V real upon V ideal, V real upon V ideal, Z less than 1 मतलब V real is less than V ideal, मतलब गैस का जो वॉल्यूम आप कैलकुलेट कर रहे थे और जो ऑब्जर्व कर रहे थे वो अलग था, ऑब्जर्व वॉल्यूम कम आ रहा कैलकुलेटेड वॉल्यूम से, ऑब्जर्व वॉल्यूम कम आ रहा कैलकुलेटेड वॉल्यूम से, मतलब गैस कंप्रेस कर गई है, मतलब कौन सी फोर्स डोमिनेट है, अट्रैक्टिव फोर्स, इसलिए मैं बोल रहा हूं 07 जरूर देखो तभी ये सब चीजें समझ में आएंगी, वहां यही सब बताया मैंने। Z less than 1, Z का फॉर्मूला क्या था, V real upon V ideal, less than 1 मतलब V real is less than V ideal, जो वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे थे, जो ऑब्जर्व कर रहे थे रियल में, रियलिटी में ऑब्जर्व वॉल्यूम कम आ रहा है, गैस कंप्रेस की है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स आर डोमिनेट। तो कुछ भी पूछ सकता है आपसे कि लो प्रेशर पे कौन सी फोर्स डोमिनेट, सीधा सवाल जेई में आ गया आपके पास, ए प्यारा सा सवाल कि लो प्रेशर पे रियल गैस में कौन सी फोर्स डोमिनेंट होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्स होती हैं कि रिपल्सिव होती हैं, तो उसके लिए आपको कहानी आनी चाहिए। क्लियर है, ग्राफ में भी ये चीज दिखा सकता था मैं, साइड में ग्राफ दिखाऊं पिछले टर्म का, जेड कॉन्सेप्ट आना चाहिए, प्रेशर यहां जेड इज इक्वल्स टू 1, याद आया ग्राफ, यही तो ग्राफ था, ये जेड इज इक्वल्स टू 1 की लाइन मैंने बनाई थी, याद है, मतलब ये आइडियल गैस था, यहां Z ग्रेटर देन 1, यहां Z लेस देन 1, है ना, ये Z इज इक्वल्स टू 1 की लाइन है, इसके ऊपर Z ग्रेटर देन Z, यहां देखो जब प्रेशर लो है तो Z क्या आ रहा है, लेस देन 1, वही तो वहां से प्रूफ हुआ। अब हमें देखना है कि जब प्रेशर हाई होगा, देखो इधर प्रेशर बढ़ रहा है, तब Z ग्रेटर देन 1, तो आइए देखते हैं उसको भी। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, एट हाई प्रेशर। अब बच्चों जब मैं लो प्रेशर हाई प्रेशर बोल रहा हूं ना, तो आप टेम्परेचर को मॉडरेट ही मानना, टेम्परेचर को मॉडरेट ही मानना, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा, ठीक है, इसको यहां पड़े रहने दो, एट लो प्रेशर में इस कहानी को यहां पड़े रहने दो। अब मैं हाई प्रेशर बोलूं या सिर्फ लो प्रेशर, मतलब टेम्परेचर इज मॉडरेट, तो यहां पर भी टेम्परेचर नॉर्मल है, वही 2
298 केल्विन, 273 केल्विन रूम टेम्परेचर के आसपास, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। अभी उसको वहां पर रहने दो लो प्रेशर की कहानी को। हाई प्रेशर में बच्चों क्या होगा, प्रेशर अपने आप में बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी प्रेशर के सामने जो ए है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। अरे यार प्रेशर इतना ज्यादा हो गया, उसके सामने छोटा सा नेग्लेक्ट। तो पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर, एन की वैल्यू वन है, विल नियरली बी इक्वल टू पी, ये टर्म जीरो हो गया पूरा जीरो। सो नाउ इक्वेशन विल बिकम पी वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, नंबर ऑफ मोल्स वन रखे, प्रेशर करेक्शन में क्या हुआ ए की वैल्यू जीरो हो गई क्योंकि हाई प्रेशर, प्रेशर ज्यादा है, ए उसके सामने छोटा है, नेगलेट। तो हम बोलेंगे पी वी माइनस पी बी इज इक्वल टू आर टी, आर टी आर टी से डिवाइड किया, पी वी बाई आर टी विल बिकम जेड माइनस पी बी बाई आर टी इज इक्वल टू आर टी बाई आर टी वन, आर टी आर टी से डिवाइड कर लिया, जेड इज इक्वल टू क्या आ रहा वन प्लस पी बी बाई आर टी। तो ये एक्सप्रेशन भी कई बार पूछ लेता है कि हाई प्रेशर पे जेड की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन वो देगा ये देगा कंफ्यूज करने के लिए। कैसे निकालोगे, वांडर वॉल इक्वेशन याद रखो, पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, नंबर ऑफ मोल उठा के वन रख देना, हाई प्रेशर पे ए नेग्लिजिबल, लो प्रेशर पे वॉल्यूम ज्यादा तो बी नेग्लिजिबल, बन गए दोनों चीज। ये कौन सा डेविएशन है बच्चों, जेड ग्रेटर देन वन है, पॉजिटिव डेविएशन है हाई प्रेशर पे, यही तो अभी मैंने ग्राफ से दिखा रहा तुमको, जेड पी यहां जेड की वैल्यू वन, यही तो था। हाई प्रेशर पे देखो जेड क्या आ रहा ग्रेटर देन वन, लो प्रेशर पे देखो जेड क्या आ रहा लेस देन वन, ये देखो z less than 1, high pressure is z greater than, greater than 1 मतलब positive deviation, मतलब v real is greater than v ideal, मतलब जो volume आप calculate कर रहे हो वो कम है, जो observe हो रहा है वो ज्यादा है, मतलब gas expand की है, जो volume calculate की है वो कम, जो आया वो real में वो ज्यादा, मतलब gas expand की है, मतलब molecules दूर गए, मतलब repulsive force dominate की है, repulsive force dominate। अच्छा तो लो प्रेशर पे बात हो गई, नेगेटिव डेविएशन, ग्राफ याद रखो बड़ा आसान है, लो प्रेशर पे नेगेटिव डेविएशन, हाई प्रेशर पे पॉजिटिव डेविएशन, वैल्यू पूछता है एग्जाम में तो वांडर वॉल इक्वेशन रख के थोड़ा दिमाग लगाना है, लो प्रेशर पे वॉल्यूम ज्यादा तो बी नेग्लिजिबल, हाई प्रेशर पे प्रेशर ज्यादा तो ए नेग्लिजिबल। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवर हियर कि इन दोनों केसेस में हमने टेम्परेचर को मॉडरेट माना था अभी तक, इन बोथ द केसेस हमने ये माना है कि टेम्परेचर मॉडरेट है, ना बहुत कम है ना बहुत ज्यादा है, यहां पे भी टेम्परेचर मॉडरेट। इन दोनों में अगर मैं बोलूं कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, सोचो इसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए, हाई प्रेशर है ठीक है बढ़िया, टेम्परेचर भी हाई हो जाए, बच्चों टेम्परेचर के हाई होते ही ये टर्म जीरो बन जाएगा, जेड की वैल्यू वन आएगी, गैस आइडियल हो जाएगी, डेविएशन जीरो हो जाएगा। यहां टेम्परेचर हाई कर दो, टेम्परेचर के हाई होते ही बहुत हाई, ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, जेड की वैल्यू वन आएगी, गैस आइडियल हो जाएगी, डेविएशन जीरो। टेम्परेचर अगर हाई इसमें होता है, बहुत हाई, हल्का फुल्का नहीं काफी हाई, मतलब 1000 केल्विन के आसपास, 800 केल्विन, 900 केल्विन के आसपास, 700 800 केल्विन 1000 केल्विन, टेम्परेचर अगर हाई होता है तो ये टर्म पूरा जीरो और जेड की वैल्यू वन, वहां भी यहां भी, मतलब इफ टेम्परेचर इज हाई एंड बाई हाई आई मीन वेरी हाई, तो चाहे प्रेशर लो हो चाहे प्रेशर हाई हो, टेम्परेचर के हाई होते ही ये टर्म भी जीरो हो जाएगा, ये टर्म भी जीरो, मतलब जेड को बेचारे को क्या आना है वन, एंड गैस विल बिहेव एज आइडियल गैस। ये चीज हमने ग्राफ से ही बताई थी कि टेम्परेचर जब हाई होता है तो गैस आइडियल की तरह बिहेव करती है। तो चाहे ये केस हो चाहिए, ये अपने आप में एक नया केस बन गया, केस नंबर थर्ड। पहला केस हो गया एट लो प्रेशर, दूसरा केस हो गया एट हाई प्रेशर, और तीसरा केस हो गया हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर के आगे तो सब फेल है, चाहे प्रेशर लो हो चाहे हाई हो, क्लियर है। एक सवाल और आता है कि एसटीपी पे क्या होगा, कुछ नहीं होगा एसटीपी पे, रियल गैस है, डेविएशन रहेगा एसटीपी पे। एसटीपी क्या होता है भाई, प्रेशर है 1 atm, टेम्परेचर है कितना 273 केल्विन, तो टेम्परेचर ना ही बहुत कम है ना ही बहुत ज्यादा है, बीच का टेम्परेचर है, प्रेशर भी ना ही बहुत कम ना ही बहुत ज्यादा, बीच का प्रेशर है, तो इट विल हैव सॉर्ट ऑफ नेगेटिव डेविएशन, ठीक है ठीक है, क्लियर है। मान
मान लो प्रेशर जीरो हो जाए तो क्या होगा? एक सवाल ये भी बनता है कि सर हम प्रेशर को उठाकर जीरो कर देंगे, प्रेशर को हम उठाकर कितना कर देंगे, सीधा एक खत्म, जीरो। तो जीरो पे जेड की वैल्यू वन होती है। जरा ग्राफ देखो, कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं मैं। ये ग्राफ है, यहां पे देखो प्रेशर जीरो है। जब प्रेशर जीरो है तो जेड की वैल्यू वन। तो अगर कोई आपसे कहता है प्रेशर इज जीरो, इतना कम, बहुत छोटा प्रेशर, प्रेशर इज नॉट लो, दिस इज नॉट लो प्रेशर, नो नो, दिस इज वेरी वेरी लो प्रेशर। लो प्रेशर का मतलब है एक एटीएम, दो एटीएम, ये कहानी जहां पे नेगेटिव डेविएशन दिख रहा है। वेरी लो प्रेशर अगर कर दे हम, प्रेशर को जीरो के आसपास टेंड कर दें, तो आप ग्राफ से भी देख सकते हो जेड किसको टेंड करेगा, वन, गैस क्या हो जाएगी, आइडिया, वेरी लो प्रेशर और वेरी हाई टेम्परेचर भी। इसलिए बोलते हैं कि एलपी एचटी पे आइडियल गैस बनती है, एलपी एचटी पे आइडियल गैस मिलती है। स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूं कि प्रेशर बहुत कम हो, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, तो कोई भी गैस बनती है आइडियल। तो ये सारा डिस्कशन था, थ्योरेटिकल है, आपको इसे कॉपी में लिखना पड़ेगा, दो तीन बार रिवाइज करना पड़ेगा, पर आई प्रॉमिस मैंने सारा कंटेंट आपको दे दिया। इससे ज्यादा कंटेंट आप कहीं पे भी हो, मैं हमेशा एक जगह का नाम लेता हूं कोटा में, आप कहीं पे भी हो, कोटा में हो, जयपुर में हो, दिल्ली में हो, अंडमान निकोबार में हो, कहीं पे भी हो, इससे ज्यादा कंटेंट है ही नहीं, सब बता दिया, सब आउट कर दिया। चलो पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।